सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो भाई दोस्तों, आज आना बहुत ज़रूरी हो गया था आप लोगों के आगे। मैं कई दिनों से कई चीज़ें देख रहा था और आपने टाइटल और थंबनेल देख के हल्का फुल्का आइडिया आ गया आपको कि किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जस्ट मैं आज उठा हूँ सुबह सुबह यहाँ पे, ऑलमोस्ट आप यूँ मानो अभी 7 बजे सुबह के, और मैंने उठते ही एक पोस्ट देखी, उसमें लिखा हुआ था कि गाज़ियाबाद में 3 डॉग ब्रीड्स बैन कर दिए। एक तो मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बैन कर दिए इसका मतलब क्या है। पहली ब्रीड उन्होंने बैन करी है पिटबुल। एक तो पिटबुल ऐसी ब्रीड है जिसको हर जगह ही धक्का मार देते हैं, ठीक है, कि भाई पिटबुल ने ये कर दिया तो करो करो करो, इसको बैन करो, खतरनाक है, फलाना है, दिमकाना है। ऐसे पिटबुल के साथ कौन सी फंसती है? एक रोटवाइलर ब्रीड फंसती है। अब तीसरे बेचारे एक डॉग अर्जेंटीनो और फंस गई है, तो इन तीनों ब्रीड्स को बैन कर दिया, यूँ कह रहे हैं गाज़ियाबाद में। सो ये वीडियो मेरे को ना पहले भी बनानी थी, जब एक न्यूज़ आई थी कि पंचकुला में भी आपने रोटवाइलर ब्रीड को बैन कर दिया और पिटबुल को बैन कर दिया। मुझे एक बेसिक बात बता दो जो बैन करने वाले हैं, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर एक बात बताओ मुझे, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, आप बहुत बड़े एनिमल लवर हो, आप बराबर का हिस्सा देते हो, इंसानों की इतनी वैल्यू है जितनी जानवरों की है, और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने दिया है जो आप चीता लेके आए हो, और वो उस डिसीजन से मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हुआ है ना, और बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे यंग जो पीपल है जिनको पसंद है। एक्चुअली मेरे को भी बनना था और मैं उसी रास्ते पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टेप था सर वो आपका, और आगे हम यही उम्मीद करते हैं आप इससे अच्छे अच्छे और स्टेप्स लेते रहो एनिमल्स के फील्ड में, ह्यूमैनिटी के फील्ड में। सो अब बात मुझे एक बात करनी है सर, अगर कोई एक आदमी, ठीक है, लेट्स टेक एग्जाम्पल, ए आदमी, उसकी एक रेस है, उसकी एक कास्ट है, वो एक कास्ट से बिलोंग करता है, एक रिलीजन से बिलोंग करता है, वो ए आदमी है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, उसी की कास्ट के दूसरे बंदे ने भी मर्डर कर दिया, तो आप उस पूरी कास्ट को बंद कर दोगे, उस पूरी कास्ट को बैन कर दोगे, उस पूरी कास्ट को मार दोगे? नहीं मारोगे ना। पर्टिकुलर एक पर्सन ने मारा है ना, तो वो उस पर्सन की गलती है ना, कि पूरी उसकी कास्ट के, पूरे रिलीजन की, या उस पूरे रेस ऑफ द पीपल की, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक पिटबुल खराब हो गया उसकी वजह से पूरे पिटबुल बंद कर दो? ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना यार, इसका कोई बेसिक सा मतलब बनता है? आप सब लोग दिल पे हाथ रख के बताना, थोर रोटवाइलर था, उस थोर ने इतनी दुनिया में इतने रोटवाइलर ला के खड़े कर दिए, लोग उसको देख के रखने लग गए, और भाई साहब कुछ उसमें दम होगा, कुछ दिखा होगा, कितना शांत है वो, छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे खेलता था, हैं, ये दिखा होगा तभी लेके आए हो ना। अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, थोर रोटवाइलर था और वो एग्रेसिव था या नहीं था? मेरे और रोटवाइलर्स मेरे पास, और मैं दिखा दूंगा, मेरे नॉन्स के पास है, और मैं भाई साहब मेरे जो थोर के बच्चे हुए थे मैं वो दिखा दूंगा, कोई एग्रेसिव हो तो बता दो। सिंपल सी बेसिक सी बात होती है, एक आधा पर्सन, एक आधे डॉग मान गया कि वो गलत हो गया, बट उसकी वजह से पूरी ब्रीड कभी ख़राब नहीं होती। रोटवाइलर की बात नहीं कर रहा मैं, पिटबुल की भी बात की, ये डॉग अर्जेंटीनो की बात की, ये पिटबुल, यार पिटबुल तो ख़राब कर दिया, क्यों ख़राब कर रहा है बताऊँ? बेसिक सी बात बताता हूँ, जो एग्रेसिव इतना बना रहे हो, पहली बार जो ये जो पिटबुल बैन करने की बात कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता पिटबुल होते कौन से, अमेरिकन बुल्ली की फ़ोटो पिटबुल में लगा देते हैं, ये पिटबुल कह देते हैं। ये पिटबुल जो पर्टिकुलर ब्रीड है ना, वो तो ख़राब ही होगी है, प्योर ब्रीड बची नहीं है, मिक्स कर करके सारा नाश कर दिया है उस चीज़ का, ठीक है। और ये कौन से मिक्स हो रहे हैं? ये वो ख़राब कर रहे हैं पिटबुल जो फाइटिंग करवाते हैं डॉग्स की, उस वो ब्लड। अब एक डॉग को अगर आप एक कमरे में आप 10 महीने तक अंधेरे वाले कमरे में छोड़ दोगे, सिर्फ 2 टाइम खोलोगे उसे खाना देने के लिए, तो वो डॉग नहीं भाई, आदमी को भी रखोगे वो भी एग्रेसिव हो जाएगा। और उसी डॉग से आप फाइटिंग कराते हो और उसी डॉग से आप मेटिंग कराओगे आगे, तो बच्चे भी वैसे ही होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस वजह से ये लाइनें ख़राब हो जाती है, और डॉग की उसमें भी गलती नहीं थी। अब उसको तैयार आप इसलिए करोगे कि फाइटिंग करवा के हम पैसा कमाएंगे, किसी की मौत के ऊपर गेम खिलवा के हम पैसा कमाएंगे, तो ऐसे ही होगा भाई। मैं बहुत तकड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई मोदी जी, आपकी योगी जी आपके स्टेट में ये काम हुआ है यार, गाज़ियाबाद में ये बंद कर दिए कैसे कि? मतलब आप खुद सोचो, आप खुद एक डॉग पालते हो जिसका नाम गुल्लू है, लैबरा है, आपने वीडियो दिखाई है, अब आप खुद बताओ, आप तो खुद डॉग लवर हो, आप ये किस चीज़ को कैसे संभाल सकते हो इस बात को? तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है भाई, इलाज है सर इनके, इलाज है, बैन करना कोई इलाज नहीं होता,
हैं, ये कोई इलाज नहीं है। अभी यार कोई आदमी ने अगर किसी को मार दिया तो उसका पूरी कास्ट, पूरे रिलीजन या पूरी रेस को मार दोगे आप? नहीं मारोगे ना, उसको डिटेंशन सेंटर भेजोगे, उसको आप सीखने का मौका दोगे, है ना, उसको पढ़ाओगे, है ना कुछ तो करोगे। तो ऐसे ही और तरीके हैं यार, अगर एक आधा डॉग खराब हो गया तो उसको ठीक करो, उसका मतलब ये नहीं पूरी उसको बैन कर दो। तो प्लीज आप लोगों से बहुत तगड़ी रिक्वेस्ट है, और जो जो ये वीडियो देख रहे हैं भाई, अपनी अपनी म्युनिसिपैलिटी में, अपने अपनी काउंसिल में, जो जो आपकी सिटी में लगता है भाई, जिसके मेयर होता है, वहां जाओ, नगर निगम में जाओ, सारे इकट्ठे होकर एप्लीकेशन लिखो कि भाई ये चीज नहीं चलेगी यार, और ये वैलिड तरीके से बताओ। क्योंकि अगर डिबेट करते हैं ना आप, तो डिबेट करने का फायदा भी होता है, और डिबेट लॉजिकल पॉइंट्स में डिबेट करो, यूं नहीं हवा में बात मार दी है। यार बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस की बात है जो मैंने करी है, मैं नहीं इसमें घुस रहा कि ये कर दिया वो कर दिया, एक बेसिक सी बात है। किसी आदमी ने अगर मार दिया तो उसकी पूरी रेस को बंद कर दोगे, उसकी रेस को मार दोगे? ये तो यार 100-200 साल पहले होया करता, जब अंग्रेजों का राज था या कई और राज थे, वे करा कर दे काम यार। अब ये काम हम इनके साथ बेजुबान जानवरों के साथ करेंगे क्या? थोड़ा सोच लो यार, थोड़ा तो सोच लो। हर जगह दुख है, हर जगह किसी एक यही जानवर है यार, ये एनिमल है, ये मतलब अपना बिना सोचे आप लोगों को अनकंडीशनल लव देते हैं पूरी दुनिया। आप अपने एक बात सोचो, आप घर से निकलते हो और जब तक शाम को उल्टा घर में नहीं बढ़ते, कितनी टेंशन लेके आते हो, लाते हो ना, और उस सारे टेंशन को खत्म करने का काम सिर्फ ये डॉग्स करते हैं या और पेट्स करते हैं। उनके पास 5 मिनट बैठ जाओगे ना आप, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और इनके ऊपर अब चाकू चलने लग रहा है तो थोड़ा तो ध्यान दो यार, सबको उठने की जरूरत है इसमें। और उठने का मतलब ये नहीं कि लठ उठा लो, ऐसा नहीं कहा मैंने, उठने का मतलब एक बेसिक सी अच्छी डिबेट करो, लोगों से बात करो, अपने काउंसिल से बात करो कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, इसके तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा कि मैं ट्रेनिंग शुरू करवा रखी है, अब ट्रेनिंग करा लो। कई ब्रीड ऐसी होती है जो संभलती नहीं है बाद में जाके हर बंदे से, तो आप बेसिक सी बात है ना, उसको लेते हो आप, उसकी ट्रेनिंग करा लो। ट्रेनिंग कराने में कितना टाइम लग रहा है यार, ट्रेनिंग कराओगे उसकी जो 10-15 साल की उम्र है बढ़िया निकलेगी, है सोसाइटी को भी फायदा, आगे अपने इस काउंसिल को भी फायदा, और अपने जो ओनर है उसको तो फायदा ही, और डॉग सबसे मेन बात जिसकी जिंदगी पे चाकू चल रहा है तो उसको तो फायदा है ही है। सो भाई ट्रेनिंग वगैरह अगर नहीं पता तो ट्रेनिंग आप करा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और अपने लोकल में बहुत ट्रेनिंग होती होगी, आप सबके ट्रेनिंग रहती है यार, दिल्ली में ट्रेनिंग है, हर जगह ट्रेनिंग है। ऐसे ही हमने हमारे लोकल में भी ट्रेनिंग शुरू करवा रखी है, और ये एक पॉजिटिव स्टेप है यार कि अपने डॉग्स को आप ट्रेन कराओ ताकि अच्छी तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से आगे रहें वो, ठीक है। सो पेट डाइवर्सिटी पे आप ट्रेनिंग करवा सकते हो, कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और पेट डाइवर्सिटी पे भाई अभी इस टॉपिक से अलग एक दो बात और बतानी थी। आप लोग ये पीछे घर देख रहे हो, ये घर मैंने लिया हुआ है, सो अगर इसकी भी वीडियो देखनी है तो मैं ये ज़रूर बना दूंगा आपको, और सारी अपडेट्स अब मैं डालने लगूंगा। और पेट डाइवर्सिटी पे एक नई वीडियो आ रही है, जो हमारा भैरव आया था जो फुल एग्रेसिव डॉग था और जो कैसे ठीक हो गया, उसको देख लो आप। एक भी पॉइंट सही लगा होगा ना तो इस वीडियो को शेयर कर दो, बहुत जरूरी है। और अभी नहीं करोगे, अभी इस पॉइंट पे बात नहीं करोगे तो ये दिक्कत ऐसी होती जाएगी, फिर हर शहर में चीजें बैन होती जाएंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, जहां भी शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे करो, छोटी छोटी क्लिप्स काट के इस वीडियो की आप शेयर कर सकते हो। इस चैनल पे कहते हो तो वो वीडियो इस चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं भाई, नेक्स्ट टाइम मैं ये व्लॉग ना बनाऊं उम्मीद यही रखो, और इस बात में समझ जाओ, नहीं तो भाई अगर ये चीज होगी तो मैं जरूर बनाऊंगा। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे, बाय बाय।